Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. In previous program, we discussed about some loops. So let's start with another thing. In this program, we discuss about factorial. So let us start with our header files stdio.h and another header file is hash include कॉन्यू डॉट एच मेन हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया आफ्टर दैट टेक वेरिएबल्स ए जो भी आपका लेना इफ यू नीड देन विक्लेयर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स एट टॉपर्स ऑफ द स्क्रीन पहले ही वेरेबल्स डिक्लेयर करने कोई मतलब नहीं है क्यों कारण यह है कि अगर मेरे पास वेरिएबल्स की मुझे कम जरूरत पड़ी तो देर इज ए यूजलेस वेरिएबल प्लेस यर टॉप ऑफ द स्क्रीन तो इट इज अ नॉट गुड फॉर प्रोग्रामिंग आपने यहाँ पर लिखा एंटर एनी नंबर कोई भी नंबर आप यहाँ पर इनपुट कीजिए जब आपने नंबर इनपुट किया हमने इस नंबर को इनपुट करवाया आपसे ए के अंदर राइट right? अब मुझे क्या करना है सबसे पहले फैक्टोरियल के लिए मुझे इस नंबर को ए को लेके जाना है वन तक बिकॉज फैक्टोरिया इट इज़ अ मल्टीफिकेशन ऑफ द प्रीवियस वंस अप टू वन राइट इसको मैं आपको समझाऊँगा अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर लिया बी एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर बी के अंदर वैल्यू डाली ए की मल्टीप्लाई किया और लूप जो मेरा चल रहा था ए में डिक्रीमेंट करी यहाँ पर इसको बंद किया हमने बंद करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करते हैं फैक्टोरियल ऑफ द नंबर एज इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी और यहाँ पर हमने बी ले लिया इस जगह पर आपने अपना गेट सी एच लिया और इसको बंद किया ऊपर जाकर सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बी लिया और बी की वैल्यू वन की वन क्यों करी ज़ीरो क्यों नहीं क्योंकि अगर हम जीरो करते हैं इट इज़ द सम अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो करता हूँ तो ऑलवेज वैल्यूज़ बी में ज़ीरो ही आएगी क्योंकि ज़ीरो इंटू फाइव ज़ीरो हो जाएगा तो हमने मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमने वन लिया सबसे पहले चला चेक करते हैं इस जगह के ऊपर आपने यहाँ पर एक चीज़ देखा कि मेरे पास एक एरर आ रहा है तो यहाँ पर डॉट नहीं कोमा आना था कंट्रोल एफ 9 आपने नंबर लिया 6 720 कंट्रोल एफ 9 हमने यहाँ पे लिया 5 120 राइट right? अब ये हुआ कैसे हम सबसे पहले आपको इसको डिक्लेर मैं समझाता हूँ आपको देखिए इस जगह पर आपने क्या किया ए की वैल्यू आपने 5 ली थी सबसे पहले कंडीशन क्या चली 5 इज ग्रेटर देन 1 के राइट बी बी में क्या था 1 ए में क्या था फाइव अब बी की वैल्यू क्या होगी फाइव ए में डिक्रीमेंट हुई तो ए क्या हो गया फोर राइट कंडीशन चली। फोर इज ग्रेटर देन है वन के यस है बी इज इक्वल टू बी में क्या था फाइव ए में क्या था फोर इज इक्वल टू मेरे पास रिजल्ट क्या बना ट्वेंटी ए में डिक्रीमेंट ए इज इक्वल टू क्या हुआ थ्री फिर चला मेरा लोग थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू है वन के यस है b इज इक्वल टू ट्वेंटी था ए में, में मेरे पास क्या था मेरे पास थ्री था इज को टू क्या हो गया सिक्सटी हुआ ए डिक्रीमेंट हुई टू हुआ टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू है वन के यस है बी इज इक्वल टू ट्वेंटी इंटू टू इज इक्वल टू सॉरी मेरे पास क्या था सिक्सटी था सॉरी यहाँ था सिक्सटी इंटू टू एज को टू मेरे पास क्या हुआ वन ट्वेंटी ए में डिक्रीमेंट हुई वन वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए वन के अब बी में क्या था वन ट्वेंटी इन टू वन इज इक्वल टू मेरे पास हुआ वन ट्वेंटी ए इज इक्वल टू डिक्रीमेंट हुई ए क्या हो गया ज़ीरो कंडीशन जीरो इज ग्रेटर देन ए वन के नहीं है तो मेरे पास बी हम प्रिंट कर रहे हैं बी की वैल्यू मेरे पास क्या थी लास्ट में वन ट्वेंटी तो इस तरीके से मेरे पास ये मेरा एक नंबर का फैक्टोरियल रिप्रेजेंट हो गया पर इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है हम इस चीज़ को नीचे से हटाते हैं यहां से आपने कंट्रोल एफ नाइन किया अब आपने यहां पे लिया मुझे यहां पर सिक्स का लेके चल रहे हैं तो देखिए सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इजीगोर टू तो मेरे पास सेवन ट्वेंटी आ जाएगा लेकिन मुझे अगर इसको ये बताना है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो कैसे रहे रिजल्ट कैसा आ रहा है तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ऑन माई नेक्स्ट प्रोग्राम थैंक यू फॉर वॉचिंग माई video